अश्विनी वैष्णव आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्री भी हैं। अब कोई रेल बजट नहीं, अब कोई जवाबदेही नहीं है। एक मंत्री इतने बड़े मंत्रालयों को नहीं संभाल सकता है, ये कहना है राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का, जिन्होंने सीधे तौर पर ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर अश्विनी वैष्णव के पास दो मंत्रालय होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर अब विपक्षी दलों ने सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरना शुरू कर दिया है। इस हादसे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार और रेल मंत्रालय से जवाबदेही स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल उठाते हुए उनके पास रेल के अतिरिक्त आईटी मंत्रालय होने को लेकर सवाल खड़ा किया और मोदी सरकार द्वारा रेल बजट खत्म किए जाने को लेकर भी तंज कसा है। देश के वरिष्ठ वकीलों में शुमार और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा, अश्विनी वैष्णव आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेल मंत्री भी हैं। अब कोई रेल बजट नहीं है, अब कोई जवाबदेही नहीं है। एक मंत्री इतने बड़े मंत्रालयों को नहीं संभाल सकता है। बुलेट ट्रेन वंदे भारत, असाधारण की सेवा करो, साधारण को नीचा दिखाओ, यही है आपदा का नुस्खा। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने ट्वीट के जरिए ही साल 2017 से 2020 के बीच में हुए रेल दुर्घटना का आंकड़ा पेश करते हुए कहा, साल 2017 से 18 में पटरी से उतरी कुल 257 ट्रेनें, साल 2018 से 2019 में कुल ट्रेन पटरी से उतरी 526 और साल 2019 से 2020 में कुल 399 ट्रेनों ने पटरी का साथ छोड़ा था। इसका सीधा कारण है कि 167 मामलों में ट्रैक का रखरखाव ठीक नहीं था, 149 में ट्रैक मापदंडों का गिरना, करीब 144 हादसे खराब ड्राइविंग के कारण हुए। रेल सुरक्षा के लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए, लेकिन रेलवे हर साल केवल 5,000 करोड़ रुपए ही आपदा के मद में दे पाता है। वहीं अगर हम कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना के मौजूदा हालातों की बात करें तो बालासोर में शुक्रवार की रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है, जबकि 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद यह NDRF और SDRF द्वारा हाल के वर्षों में सबसे बड़े खोज और बचाव अभियानों में से एक माना जा रहा है। लगभग 2,000 बचाव कर्मी अब भी दो ट्रेनों के मलबे में फंसे सैकड़ों लोगों को खोजने और उन्हें बाहर निकालने के काम में लगे हुए हैं।